ऑल ओवर जरा कवर कर दो, क्या रेंज? 5.5 के, 5.5 लाख। ओ भाई मैं क्या देख रहा हूँ, डिग्गी में देखो, डिग्गी में तुम्हें दिख रहा होगा, और जरा पीछे। अरे भाई ये तो बहुत ही कड़ा मामला लग रहा है। IPH कितने वोट किए? 6000 वोट किए शायद। 6000? लेकिन भाई तुमने क्या करा रखा है, रैप मतलब क्या तगड़ा ही लग रहा है। अच्छा ग्रिल भी चेंज है भाई, ग्रिल देखो भाई। दिल्ली का क्या क्रेज चल रहा है, गाड़ियों का ये बताओ पहले। दिल्ली में ज्यादा शौकीन बंदे हैं। तो एक करोल बाग से लगवाए थे? हाँ करोल बाग से। क्या रेंज पड़ी? 1 लाख। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग, होप सारे बढ़िया ही होंगे। और भाई आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी गाड़ी लाया हूँ जो कि है 9 से 10 लाख के बीच में आती है, रेंज उतना ही है, लेकिन भाई बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई। क्या बना रखी है भाई भाई ने, भाई ये देखो जरा भाई, ब्रेजा तुमने ऐसी देखी है भाई? ये है दिल्ली रोहिणी की गाड़ी, और जो कि मैं इसमें देख रहा हूँ भाई, मैट रैप चढ़ रहा है भाई, बहुत तगड़ा भाई, सही है बहुत तगड़ी। और ये जो अलॉय व्हील देख रहे हो तुम, इसका मैं तुम्हें सब चीज़ दिखा दूँ, जो कि पीछे से ऐसी लगती है साइड से। और भाई की इंस्टाग्राम आईडी है, भाई अपने बुलाते हैं 1 मिनट 2 मिनट। और ये साइड से देखो, सामने से, और जरा अपने भाई को बुलाते हैं। और भाई कैसे हो भैया? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बढ़िया भैया, नाम बता रहा जरा। मेरा नाम गौरव है, रियल वैसे आकाश है। अच्छा दिल्ली से? दिल्ली से, दिल्ली रोहिणी। दिल्ली भाई, भाई दिल्ली का क्या क्रेज चल रहा है, गाड़ियों का ये बताओ पहले। भैया दिल्ली में ज्यादा शौकीन बंदे हैं। दिल्ली मतलब यूपी वगैरह से? हाँ मेरे हिसाब से तो रोहिणी में ज्यादा है। रोहिणी में ज्यादा है? रोहिणी में ज्यादा है। रोहिणी अभी मैं आ रहा था, एक गाड़ी ना दिखी हो, सारी भाई सारी मॉडिफाइड गाड़ी, स्विफ्ट से लेकर मतलब रोड में आजकल मॉडिफाई कराना भी कॉमन है। कॉमन है, लेकिन भाई तुमने क्या करा रखा है, रैप मतलब क्या तगड़ा लग रहा है, जैसा ग्लॉसी जो कहते हैं ना। ये मैट है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ग्लॉसी जो कहते हैं ना, उससे तगड़ा लुक आ रहा है। हाँ ग्लॉसी मैंने रखवा के भी देखा था, सैटन भी रखवा के देखा था। अच्छा, पर ग्लॉसी की मेंटेनेंस ज्यादा थी। अच्छा, उसको अच्छा। सफाई ज्यादा मांगती थी वो फिर, और सैटन में भी थोड़ी वैसे उसी टाइप। भाई सबसे पहला लुक ना लोगों का यही जाएगा मैट पे। तुमने क्या मतलब क्या खर्चा पड़ा पूरी गाड़ी का? भैया 23 के आस पास पड़ा। 23,000? और कहाँ से कराएगा? मोड से। अच्छा मोड स्टेशन, यहाँ नोएडा सेक्टर 10। हाँ जी 10 से, वहाँ तो सब वो कैमरन रैप, सारे भाई वहीं रहते हैं। कैमरन रैप से वो ज्यादा फेमस है भाई। गाड़ी गवाही की गाड़ी देखो, और ये मतलब अलॉय व्हील का जरा बताओ। नहीं अलॉय व्हील का मैं बाद में पूछूंगा, सस्पेंस रखते हैं ठीक है। और भाई की गाड़ी, और भाई ने बताना फ्रंट से क्या करवा रखा है? फ्रंट से आपके पेट्रोल वेरिएंट वाली आपके लाइट लगवा रखी है। पेट्रोल वेरिएंट? हां जो ये पेट्रोल वेरिएंट में आती है। अच्छा 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 अच्छा, ये मतलब बेस मॉडल है? ये बेस है, पूरी बेस है, LDI है। अच्छा अच्छा। हां जी, उसके बाद मैंने पेट्रोल वेरिएंट वाली लाइट लगवाई थी। हां, और नीचे IPH। IPH कितने वोट किए? 6000 वोट किए शायद। 6000? हाँ पता नहीं, 6000 की वोट किया शायद, केल्विन होती है, 6000 केल्विन होती है शायद। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक, मेरे को पता नहीं है, बाकी सही है जो। लेकिन तुम्हें अभी दिखा देता हूँ कैसा वो है इसका। और ग्रिल चेंज थी फ्रंट। अच्छा ग्रिल भी चेंज है? हाँ जी ग्रिल भी। भाई ग्रिल देखो, पेंट भी कराई मैंने ग्रिल। अच्छा प्रिंट है, पेंट कराई है, शाइन मार रही है बहुत। हाँ पहले ये मैट में आती थी, फिर मैंने टचअप करने के लिए फिर मैं ग्लॉस करवाई थी। अच्छा अच्छा, और फ्रंट में मतलब। अच्छा ये इसमें लगे आते हैं, ये इंडिकेटर आते हैं इसके अंदर ना, पहले मैंने DRL वाले इंडिकेटर करवाए थे इसमें, तो फिर उसमें ना मजा सा नहीं आ रहा था। अच्छा मजा नहीं, बंदी करवा दी मैं परमानेंटली। अच्छा जरा इसका वो जला के दिखाओ, जरा सारी लाइट्स ऑन कर दो पहले, एक धीरे धीरे करके ऑन करना ताकि लोगों को पता चले। लो भाई, भाई ये DRL जल गई, और ये फॉग लाइट्स हैं, फॉग लाइट्स जो कि सामने से बहुत तगड़ी लग रही है। अच्छा ये फॉग लाइट्स ब्लू की लग रही है मुझे, और ऊपर वाली वाइट। ये HID है इसके अंदर। अच्छा HID है? हाँ HID है इसके अंदर। देखो आप इधर आओ कैमरे में देखो, इसे थोड़ा फर्क लग रहा है ना, थोड़ा ब्लू सी। नहीं भैया एंगल का फर्क होता है, एंगल का फर्क है, मीन्स इधर से देखोगे तो थोड़ी अलग दिखेगी, उधर से देखोगे थोड़ी अलग। अच्छा अच्छा, एंगल का फर्क होता है मीन्स। अच्छा और मैं सामने से देख रहा हूँ, ये जो लाइट है ना ये सीधा कैमरे पे मतलब मुंह पे मार रही है, और हाँ। इस वाली को देखो ये जरा ऊपर नहीं आ रही। वो क्या होगा भैया, थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है, मतलब IPH सेट करने पड़ते हैं। अच्छा ओ भाई मैं क्या देख रहा हूँ, डिग्गी में देखो, डिग्गी में तुम्हें दिख रहा होगा ब्लू कलर का सिस्टम है। ये सिस्टम लग रहा है 4 स्पीकर, मिड रेंज है भैया वो, मिड रेंज है, अंदर लाइटिंग करवा रहे हैं, एंबिएंट लाइट। भाई ये तो तगड़ा ही सिस्टम है, ऐसा घर सा नहीं लग रहा। जरा दिखाओ अंदर खोल के, पीछे से मस्त लिखता है या फिर अंदर से देखना, मतलब पीछे से देखता कोई नहीं है, बाकी फ्रंट से भी अच्छा आता है। अच्छा मतलब कोई फ्रंट पे देखता है ना, तो दिखाना जरा खोल के। ओ भाई ये क्या करवा रखा है भाई ने, जी ड्राइव भाई की बहनों, गाड़ी खोली और इसमें एम्बिएंट प्रॉपर हो रखी है, और जरा पीछे। अरे भाई ये तो बहुत ही कड़ा मामला लग रहा है, पीछे से भैया आवाज बिल्कुल ही फेंकती है अच्छी तरह भाई, पीछे से आवाज ज्यादा पसंद है। टोटल जरा टोटल खर्चा ना मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा कितना बैठा है इसका, जरा तुम इसका देखो भाई ये क्या है, मतलब कौन कौन से स्पीकर। वो MTX के पीछे 4 mid-range है, 2 bullet tweeters है, और आपके दो पीछे बुलेट ट्विटर्स। हाँ जी 2 bullet tweeters है। अच्छा साइड में जो लग रहे हैं? हाँ जी जो साइड्स में लगे हुए हैं। और ये MTX। अच्छा MTX। हाँ MTX, और पीछे आपके कंपोनेंट है पाइनियर के, आगे डेप बॉन्स के मिड रेंज है, बाकी ऑडिशन की मिड रेंज ही है 3 इंच। अच्छा ये ऊपर भी लगवा रहे हैं? हाँ जी। तो इसके लाइट्स वाइट नहीं है? इनके अंदर लाइट नहीं है भैया।
यहाँ से चलती होगी ना ये तो फिर वो वाली लाइट है ना ऐसे वाली। अच्छा, इसे चलने दो ना, लोगों को देखने में आसानी होगी। और भाई यहाँ पर भी अच्छा ये भी लगी रहती है। हाँ, ये पहले मैंने नीचे लगवा रखी थी, उनको हटवा के फिर एक पीस मैंने छुड़वा दिया। मतलब नीचे भी लग रही है ये, फिर 18 पीस में ना इंक्लूड आती है। अच्छा, इंक्लूड आती है। जैसे चार गेट में हो गई, दो इसमें पैनल में आती है, चार इसमें आती है पैरों में, लेग्स में आती है। अच्छा अच्छा जी भाई, जरा सिस्टम सुना दो भाई। भाई सिस्टम सुनना, अभी मैं सुन रहा था, दूसरा भाई अपना रिव्यू कर रहा था गाड़ी का, सिस्टम सुन रहा अंदर बैठ के। भाई के अंदर गाड़ी में बैठ चुके हैं, जरा एक्सपीरियंस लेते हैं इस ब्रेजर, क्या ही तगड़ा मामला है। सिस्टम चला दिया, अब सुनना जरा। फटने को हो रहा है, मतलब ऐसा ये फट गया, सामान रखता था मैं। अच्छा, तो कुछ लग गया उस पे, वो नहीं, मतलब वैसे नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ वो फटने को हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि फट जाएगा। कितने आ रहा है इसका? ये 1200 रुपए इसका है। 1200 का आराम से ऐसी वाल दे रहा है। हाँ, लो बेस इसकी बहुत प्यारी है। अच्छा, लो बेस बहुत अच्छी फैक्ट्री है। अच्छा, आप जरा अलॉय व्हील का बताते हैं भाई। अलॉय व्हील का देखो, और इस पे स्टिकर्स भी लगवा रखे हैं भाई ने, जो कि बहुत तगड़े लग रहे हैं। कितने इंची के हैं भाई? 18 इंची। अच्छा, जरा इसकी प्रोफाइल मैं देखना चाहूंगा। प्रोफाइल शायद इसकी छुप रखी है। 245 R18 18 इंची के टायर है। तो इसके कितना पड़ा? और ये डिजाइन देख रहा हूँ मैं, बहुत तगड़ा 9.5J है, कंकीव जिसे कहते हैं ना। अच्छा, जो है 9.5J है। ये मैंने थार में भी लगे हुए देखे हैं। थार में भैया वो आते हैं, वो कॉन्टिनेंटल के, नहीं कॉन्टिनेंटल कहते, कुछ और कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसी थोड़े सेम से लग रहे हैं। मल्टी होते हैं थोड़े। अच्छा, मल्टी होते हैं, मल्टी टाइप्स होते हैं, उसको कुछ और कहते हैं, नाम याद नहीं है। तो एक करोल बाग से लगवाए थे? हाँ, करोल बाग से। क्या रेंज पड़ी? 1,00,000। 1,00,000 भाई, क्या तगड़ा लुक आ रहा है इसका, विद टायर ना। अच्छा, और स्टिकर्स का? स्टिकर भैया 35 के आसपास पड़े थे। 3500। हाँ, वो तो इतना ही रहता है। हाँ, इतने ही भाई, बहुत थोड़ा। ऑल, अच्छा ऑल ओवर जरा कवर कर दो, क्या रेंज? 5.5 के आसपास। 5.5 लाख? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ इसमें अगर आपने इतने पैसा इतना खर्च भी कर दिया तो वो भी लगवा लो, क्या कहते हैं, सनरूफ। भैया अभी नेक्स्ट मंथ दिख जाएगा वो सनरूफ। अच्छा, काम होगा इसमें? हाँ। लो भाई, भाई ने कह दिया इसमें और काम होगा, दूसरी बार भी जरूर आ जाएगी गाड़ी। और डबल एलबीएम। अच्छा, डबल। अब ये सिंगल ऐसा भाई, गाड़ी कहाँ जाएगी, इसमें वो करवाना पड़ेगा डैम्पिंग, पूरी बोनट तक डैम्प है। अच्छा, बोनट तक डैम्प है, दिखाना जरा भाई, जरा डैम्प देखो। थोड़ा रात हो रही है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। लोग भाई की गाड़ी में एंटर हो चुका है, और जब तुम्हें बताऊंगा इसका पिकअप वगैरह कैसा है। इसका पिकअप तो गिर गया होगा ना? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, डीजल है। नहीं नहीं, उसके उससे क्या कहते हैं, अलॉय व्हील से? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, पिकअप मेरे को सेम ही दिखता है। मैं पहली बात भगाता हूँ, हाईवे पे भगाता हूँ, यहाँ पे नहीं भगाता, कॉलोनी में नहीं भगाता, क्योंकि गड्ढे वड्ढों को देख के संभाल के चलानी पड़ती है। चलो भाई गाड़ी के, भाई गाड़ी चला के देखते हैं। और ये लगाई मैंने चाबी, पकड़ना भाई, जरा पीछे का दिखाना भाई लोगों को। भाई स्पीकर्स देखो, क्या ही लुक आता है अंदर से। लाइट जला लो। लाइट कहाँ से? फ्रंट। अच्छा, फ्रंट भी। ये दिखाना, दिखाना, ये थोड़ा सा आगे मुझे स्पेस दिख रही है इसका, जरा वो देखते हैं क्या कहते हैं पिकअप कैसा है। और ये मैंने पहले गियर पे उठाने की कोशिश करी, और अरे भाई
भाई कितनी डीजल है ये? डीजल है भाई, यहाँ से यूटर्न लेता हूँ, शादी वादी हो रही है भाई। ये तो मतलब वो है रॉकेट, रॉकेट भाई। ट्रैक रेस वगैरह तो किया आपने? मैं मुझे इन चीजों का शौक नहीं है भाई, रेस वगैरह का शौक ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि भाई हरा देगी। नहीं नहीं, इस सेगमेंट की गाड़ी को, हाँ इस सेगमेंट की हरा देगी, इस सेगमेंट में ना दोबारा उठाते हैं। पावर बहुत अच्छी है भाई, बहुत जाके ठीक है, और बाकी गाड़ी में आपको लाता रहूं। ਝੱਟ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਨੀ ਕਿਉਂ ਗਲ ਚੋ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਏ ਜੋ ਹੱਥੀ ਗਾਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਕਿਉਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਿਆ ਤਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਾਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਨੀ ਕਿਉਂ ਗਲ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਏ ਜੋ ਹੱਥੀ ਗਾਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਉਂ